पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में कल से प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए उतरेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चुनावी रैली है। छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर को 18 सीटों पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी 12, 16 और 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। इसके अलावा 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के अलवर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बदले जाने के बाद अब कई और राज्यों में शहरों का नाम बदले जाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी अहमदाबाद का नाम कर्णवती करने की मंशा जाहिर की है, जिसका सुब्रमण्यम स्वामी ने समर्थन किया। जबकि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने एक के बाद एक शहरों के नाम बदले जाने पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम पर हमला बोला और नाम बदलने पर लोगों को मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। साल में कर्णावती, अहमदाबाद का नाम कर्णावती की बात जो बहुत साल से चल रही है, इसके बारे में जरूर हम विचारणा कर रहे हैं, सोच रहे हैं और लीगली और सभी पहलू से देखते हुए उस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये जानना चाहेंगे कि अचानक ये मांग क्यों उठी कि जो महाराष्ट्र में उस्मानाबाद हैं और औरंगाबाद हैं उनका नाम भी बदला जाए। देखिए, अचानक से उभरी हुई मांग नहीं है, पिछले 20 साल से ये मुद्दा चल रहा है और शिवसेना का ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि इन दो शहरों को औरंगाबाद और उस्मानाबाद, इनको संभाजीनगर और धाराशिव इस प्रकार से संबोधित किया जाए। और हम पार्टी स्तर पर और काफ़ी सारे लोग वहाँ संभाजीनगर और उस्मानाबाद को धराशिव ही कहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है और ये कुछ गलत चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है और ये हम कब से मांग कर रहे हैं। मैम, जिस तरह संजय राउत जी ने ट्वीट किया है कि क्या इस पूरे मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या इनका नाम बदलेंगे? उन्होंने बकायदे ट्वीट में लिखा है कि जिस तरह यूपी सरकार ने नाम बदला है तो क्या महाराष्ट्र सीएम नाम बदलेंगे, तो एक तरीके से वो महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज कर रहे हैं, क्या वो नाम बदल पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम अगर इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, अब राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है शिवसेना ने उठाया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का एहसास हो गया कि उनके हाथ से ये मुद्दा निकल चुका है। अब शरयू नदी के किनारे भी प्रभु रामचंद्र की एक बहुत बड़ी मूर्ति की घोषणा सीएम आदित्यनाथ ने की है, तो ये सब शिवसेना इसको अलग तरीके से देखती है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अखिलेश जी, हालांकि नाम बदलने की सियासत तो हर टेन्योर में रहती, चाहे यूपीए ने राज किया हो या फिर एनडीए ने राज किया हो, हर जगह नाम बदले जाते हैं, लेकिन इस बार आपत्ति क्यों है? कितने की आपत्ति? आप लोग आपत्ति कितने की है, किसी का नाम बताएंगे? आप लोग बस एक विरोध का हुआ खड़ा करते अपने आप स्वयं क्रिएट करके, यानी आपत्ति नहीं है भाई। अगर नाम बदलने से अगर सब काम अच्छे हो जाते हैं तो मैं तो शुरू से सुझाव दे रहा हूँ इस सरकार को कि कलयुग का नाम त्रेता युग कर दो, राम राज हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी को पहले ही बीजेपी के लोग राम की अवतार बता ही चुके हैं, बताते ही रहते हैं, तो सब ठीक हो जाएगा। आपको जिस काम के लिए भेजा गया वो काम करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। 6-8 महीने पहले जनकपुर से आदरणीय मोदी जी ने एक बस यात्रा शुरू की थी, जनकपुर से अयोध्या की। प्रधानमंत्री होते वहां गए थे, एक बस की शुरुआत की थी और अयोध्या में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने उसे रिसीव किया था, खूब चला था दिन भर की, आप लोगों ने चलाया था कि ये बस यात्रा जनकपुर से अयोध्या चल रही है, डायरेक्ट जो किया अयोध्या जनकपुर का रिश्ता। क्या हुआ उस बस का जी? चली आज तक एक दिन की किराए की बस थी। क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता? तो फैजाबाद को भी अयोध्या कर दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट टू है, बीजेपी का असली नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट टू है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है ये। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना, अगर इनको भगवान राम से आस्था होता तो जिस बस को माता जनक के नाम पे, झांकी के नाम पे चलाया वो बस चलती नहीं है। वो मैंने परसों भी फोन करके, यानी सिर्फ योजनाओं की घोषणा होती है, जमीनी स्तर पर अमल नहीं होता।
सुनिए, सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं, भगवान के नाम पे भी धोखा। ये कितने दुस्साहसी लोग हैं कि भगवान के नाम को दोहन तो करते हैं कि भगवान आपके स्थान से, जानकी माता आपके स्थान से हम शुरू कर रहे हैं, आप दिखा रही हैं जानकी जी का। अखिलेश जी, अखिलेश जी, लेकिन वो तो आप पर आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। अरे भाई ठीक है, आरोप लगाते हैं, उनका कर्तव्य है, उनके पास है क्या, हम तो जो वो कर रहे हैं उसकी सच्चाई बता रहे हैं। आरोप तो कोई किसी पे लगाता रहे, आज आज क्या है, रुपए का भाव, आज क्यों नहीं जश्न मना लेते हैं रात 8 बजे। पहली सरकार है कि जो कतिक सफल कार्यक्रम था, जश्न नहीं मना रही है। यहाँ तो ई रिक्शा बांट करके जश्न मनाती है बीजेपी, रैली करके सम्मेलन करती है, शौचालय का भी जश्न मनाती है, एक शौचालय बना के नीचा रख के उससे जश्न करती है। तो दो पुराने नोट लेकर के मोदी जी को आज पूरे देश भर में इवेंट मैनेजमेंट करना चाहिए था, अगर ये नोटबंदी इतना अच्छा था तो। कोई काम नहीं है, जितने वादे किए थे उस पर कोई जिक्र नहीं है, ना नौकरियों का जिक्र है, ना काले धन का जिक्र है, ना गंगा मैया की सफाई का जिक्र है, ना काशी का कोटे का जिक्र है, ना स्मार्ट सिटी का जिक्र है, ना डॉलर का जिक्र है, ना पेट्रोल का जिक्र है, ना गैस का जिक्र है, ना दाऊद का है, ना पाकिस्तान का है, ना किसानों को भूमि का है, कुछ नहीं है। इसकी बात करो तो बीजेपी के लोग लाल पीले हो जाते हैं भाई, सत्ता किस लिए, आपने ये सब कहा कि तो कहा था करेंगे, लेकिन जिसको कहा था कि हम ये करेंगे उसका जिक्र ही नहीं करते हैं। यानी जो वायदे किए गए थे उसका जिक्र होता नहीं है और नाम बदलने की सियासत जारी है। अखिलेश जी रहिए हमारे साथ, क्योंकि कांग्रेस चाहे कुछ भी आरोप लगाए लेकिन बीजेपी के सांसद लगातार नाम बदलने का समर्थन करते जा रहे हैं। औरंगाबाद का नाम बदलकर उसका नाम संभाजी नगर करने चाहते हैं। हाँ, वो तो वो पुराना डिमांड है, और ये संभाजी नगर ही जाना जाता था, औरंगजेब वहाँ जाकर के जबरदस्ती इसका अपना नाम लिख दिया। बदलना चाहिए, वो तो कई जगह हुए ऐसा है जो बदलना चाहिए। हमने भी कई ऐसे, जैसे बॉम्बे को हमने मुंबई कर दी, किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ, सिर्फ मुसलमान का सवाल आता तो सब लोग, जब कुछ नहीं करती है तो नाम ही बदल रही, हम पैसा लगता नहीं, वरना एक काम नहीं हो रहा है। एक काम उत्तर प्रदेश में 1.5 साल में योगी जी की सरकार ने नहीं किया, अगर फिरोजाबाद में कोई किया हो तो बताओ, एक पैसे का काम नहीं कहीं किया। ये सरकार स्कीमों के नाम, पुलों के नाम, शहरों के नाम बदलने में एक्सपर्ट है, इसलिए कि इन्होंने अपना कुछ काम नहीं, और अपने काम नहीं करने के जो फेलियर्स हैं उनसे दिमाग भटकाने के लिए, उनसे लोगों की निगाह हटाने के लिए, और हमारे फेलियर की लोग चर्चा नहीं करें मोदी जी और योगी जी, इसलिए दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन भी इलाकों का नाम बदला जा रहा है वहां पर एक पर्टिकुलर वोट बैंक है जिसको टारगेट करने की कोशिश है। शिवसेना कह रही है कि मुद्दे उनके द्वारा उठाए गए, 2 दशक पुराना ये मुद्दा है जिन दो शहरों का नाम बदलने की बात हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर कुछ सुन नहीं रहे हैं। यानी इस मुद्दे को लेकर भी अंदर खाते एनडीए में कहें कि दो राय कि कौन इसको हाईजैक करेगा, कौन हथियाएगा इस मुद्दे को लेकर, क्या ये सियासत चल रही है? बिल्कुल सही कहा नवजोत आपने, देखिए सियासत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। सबसे पहले मुगलसराय का नाम बदला गया था, उसके बाद फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया। उसके तुरंत बाद जो शिवसेना के एमपी हैं संजय राउत ने एक ट्वीट करते हैं, ट्वीट में वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर देना चाहिए और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर देना चाहिए। हालांकि शिवसेना इस पूरे मुद्दे पर दावा कर रही है कि ये नाम बदलने की जो बात कही जा रही है वो शिवसेना कई सालों से, लगभग 20 सालों से कर रही है। अचानक तो हमने ये पूछा, अचानक ये मुद्दा फिर से क्यों सामने आया, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार शहरों का नाम बदल सकती है, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो अहमदाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव रख सकते हैं, तो क्या महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इन दो शहरों का नाम बदल पाएंगे या नहीं? तो कहीं ना कहीं शिवसेना
जो खुद सरकार में है महाराष्ट्र में, अपने ही सरकार के जो पार्टनर है उनको चैलेंज कर रही है कि क्या आप इन दो शहरों का नाम चेंज कर पाएंगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो 2019 के जो चुनावी चुनाव शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर है, जो हिंदुत्व है, वो शिवसेना अपना पुराना जो मुद्दा है उसको उठाना चाहती है और जो आम जनता को बताना चाहती है कि शुरू से जो शिवसेना जिस एटीट्यूड के साथ काम करती थी, जिस एटीट्यूड के साथ वो चलती थी, उसी एटीट्यूड के साथ वो 2019 में आने वाली है। उनका एटीट्यूड बिल्कुल साफ हो गया है, उनका साफ बोला कि वो हिंदुत्व और राम मंदिर के नाम पर आगे लड़ेंगे। जाहिर सी बात है 2019 का चुनाव सामने है, तो वही एटीट्यूड नजर भी आएगा और कहीं ना कहीं अंदर खाते कह रहे हैं मनीषा कायदे कि बीजेपी इनसिक्योर हो रही है कि ये मुद्दा हमने हथिया लिया। तो आपको याद होगा कि जिस वक्त दशहरा कार्यक्रम था उस वक्त भी एक बार शिवसेना की तरफ से ये नारा दिया गया था चलो अयोध्या, हालांकि उसके बाद मामला यही है कि हिंदू किसके, कौन इस मुद्दे को हथियाएगा, बीजेपी या फिर शिवसेना, दोनों अपनी सियासत कर रही है। आगे बढ़ेंगे। नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को नोटबंदी के मोर्चे पर नाकाम बताया। कांग्रेस ने नोटबंदी की खामियां गिनवाते हुए बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। कांग्रेस ने नोटबंदी को त्रासदी बताया और कहा कि मोदी सरकार को लोगों से माफी मांगनी चाहिए। नोटबंदी पर कांग्रेस ने ट्विटर पर भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने ट्वीट किया, न काले धन पर लगी लगाम, नकली मुद्रा टेरर फंडिंग जारी है, नोटबंदी का सच जनता ने जाना, भुगतान की अब तुम्हारी बारी है। आज के दिन 8 नवंबर 2018 को इस नोटबंदी की दूसरी बरसी पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक तौर पर इस मुल्क से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो तुगलकी फरमान जारी करके इस देश का नुकसान किया है और जो 100 से अधिक लोग उस तुगलकी फरमान की वजह से मारे गए हैं, उनके परिवार के साथ सांत्वना व्यक्त करनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला। मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का अभी लोगों पर असर पड़ा, सभी लोगों पर असर पड़ा। मनमोहन सिंह ने ये भी कहा कि नोटबंदी का असर वक्त के साथ साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम उद्योग आज भी नोटबंदी के झटके से ऊपर नहीं पाए हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि नोटबंदी का रोजगार पर सीधा असर पड़ा है और नौजवानों को नए रोजगार मिलने में दिक्कत हुई है। मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वो अभी भी नोटबंदी के पूरे असर को समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने सरकार से आर्थिक नीति पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही। नोटबंदी को लेकर आरजेडी ने भी मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने नोटबंदी को तुगलकी फरमान बताया। मनोज झा ने कहा कि नोटबंदी का छोटे उद्योगों पर असर हुआ और ये उद्योग आज भी फल फूल नहीं पाए हैं। इसी तौर पे कहूं तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज इसको डाक डे के रूप में, काले अध्याय के रूप में, काले दिवस के रूप में नहीं मना रही है, बल्कि पूरी की पूरी आवाम, क्योंकि कुछ उद्देश्य बताए थे मेरे प्रधानमंत्री जी ने और हर उद्देश्य शून्य हासिल हुआ, हर उद्देश्य में। और जो अल्टीमेट जो चीज हमें मिली है, रंग बिरंगे 3 पतिया नोट मिले हैं हमें, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। नोटबंदी पर विपक्ष के हमले का बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। खुद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला और नोटबंदी को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा जोर काला धन वापस लाने पर रहा और वो इस काम में काफी हद तक सफल भी रही है। जेटली ने यह भी कहा कि नोटबंदी टैक्स चोरी रोकने में भी काफी कारगर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी लागू होने के बाद ज्यादातर लोगों ने अपना टैक्स भरा है। जेटली ने यह भी कहा कि नोटबंदी से डिजिटल करेंसी को बढ़ावा मिला है। तरह से विपक्ष इसको एक काला दिन के तौर पे मना रहा है और ये बता रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, क्या कहें? देखो क्या है कि मुझे तो लगा था कि कर्नाटक के इलेक्शन बाई इलेक्शन में 1-8 सीटें जीत गए हैं तो आज ये गोरा दिवस मनाएंगे, लेकिन जिसका दिमाग काला हो, जिसका दिल काला हो, वो काले दिवस के आगे बढ़ नहीं पाएगा। जहाँ तक डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी का सवाल है, ये जो है वो नोटबंदी भ्रष्टाचार और बेईमानों की नाकेबंदी थी। जनता ने जो है वो थोड़ी बहुत तकलीफ़ों के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और
सरकार की नीयत पर किसी तरह का शक नहीं किया, उस हालात में भी नहीं किया जबकि लोगों ने उन्हें भड़काने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की। तो एक बड़ा फैसला था, कड़ा फैसला था और देश के अर्थव्यवस्था को मजबूती के रास्ते पर ले जाने वाला फैसला था, और मैं मानता हूँ ये सफल फैसला था। कोई काला दिवस मनाए, गोरा दिवस मनाए, वो उनकी मर्जी है सर। लेकिन इस मौके पे विपक्ष की एक एक जुटता भी नज़र आ रही है और चंद्रबाबू नायडू भी साउथ में कुछ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ अलायंस की एक मुहिम चल रही है, तो ये इस महागठबंधन को लेकर क्या चिंतित? देखो भैया, जिस दिन से देश की जनता ने मोदी जी को जनादेश दिया है तब से एकता और एक होकर के मोदी जी को हटाओ 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 ये सब नारे चलते रहे, वो तो जनता तय करेगी ना। ब्लैक डे माने को क्या कोई राष्ट्रद्रोही काम हुआ, काला धन के लिए निकालने के लिए कोई कदम उठाया है, वो फेल हो जाए तो क्या उसको राष्ट्रद्रोही कह सकते हैं? ब्लैक फ्लैग माने क्या है? जो देश के विरुद्ध में है उसी को ब्लैक फ्लैग्स दिखाते हैं। तो अगर सारा दिवालापन निकला है तो क्या करें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पीयूष गोयल ने ट्विटर पर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने लिखा, 2 साल पहले 125 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, कालाधन और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए। हम न्यू इंडिया की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए भ्रष्ट कांग्रेस नोटबंदी से डरी हुई है। अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, नोटबंदी को लेकर विपक्ष, जाहिर सी बात है चुनाव है, तो चाह रही है कि एक बार फिर से इसी मुद्दे को भुनाया जाए और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है विपक्ष, और शायद इसीलिए सुबह सुबह पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह से भी एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करवाया गया है जिसमें पूरी की पूरी नोटबंदी को का असर अर्थव्यवस्था पर निगेटिव बताया है। मनमोहन सिंह ने साफ 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 लिखा है कि इस नोटबंदी से न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी है, जीडीपी का ग्रोथ धीमा पड़ा है, बल्कि इससे लघु और मध्यम उद्योग भी खत्म हो गए हैं देश में, इससे रोजगार भी खत्म हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर एक सरकार पर निशाना साधने की कोशिश है और देश भर में कल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। लेकिन बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई है सरकार ने। वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद तलवार तानकर सामने आए और पलटवार करते हुए तीन बातें कही हैं कि नोटबंदी का मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंकों में पैसा वापस आना नहीं था। नोटबंदी का मतलब ये था कि कैसे काले धन को मार्केट में जो फैला है उसे रोका जाए और भारत ने डिमोनेटाइजेशन का जो असर है उसको कम करने के लिए दुनिया भर के देशों में जहां काला धन था उसे रोका है, देश के जीडीपी में इससे बढ़ोतरी हुई है। और कांग्रेस का ये जो आरोप है ये मिसकंसेप्शन है कि की नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई नेगेटिव असर पड़ा है। और हाँ, वाद विवाद चलता रहेगा क्योंकि चुनावी माहौल अभी गर्मा रहा है। जाहिर सी बात है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिससे दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर खराब से भी खराब स्तर तक जा पहुंचा है। दिवाली की आतिशबाजी के बाद से दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी थी, उसके बाद भी लोग बड़े बड़े और ज्यादा प्रदूषण वाले पटाखे जलाते नजर आए। साथ ही सिर्फ 8 से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन लोगों ने 10 बजने के बाद भी प्रदूषण वाले पटाखे जलाने का सिलसिला जारी रखा। और ये चार तस्वीरें दिल्ली की ये धुन साफ बता रही है कि कल किस तरीके से लोगों ने दिवाली मनाई है। इंडिया गेट, अक्षरधाम पर विजिबिलिटी कितनी कम है अंदाजा लगाइए, क्योंकि इस पूरे इलाके में, यहां से भी आनंद विहार ज्यादा दूर नहीं है, आनंद विहार की तस्वीर भी जरा देख लीजिए। और AQI लेवल की अगर हम बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, तो 999 तक तमाम दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में 999 तक ये पहुंच चुका है, जिसको स्वेयर कैटेगरी से भी ज्यादा स्वेयर कहा जाए, यानी खतरनाक से भी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है 999 का AQI लेवल। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के स्तर के साथ साथ स्मोग बढ़ा है और जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर काफी इसका असर पड़ा है। इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार इलाके में है। यहाँ पर आज का जो AQI इंडेक्स है वो 345 को पार कर गया है और आप देख सकते हैं मेरे सामने गाड़ियों की जो रफ्तार है वो काफी स्लो हो गई है क्योंकि विजिबिलिटी लगातार गिरती जा रही है। हालांकि सुबह 6 बजे के मुकाबले विजिबिलिटी में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 200-300 मीटर के बाद
कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मेरे सामने ब्रिज बना है, उसको उसके पीछे का कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा और गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी होती जा रही है। प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली के लोगों को स्मोक से भी परेशान होना पड़ रहा है और विजिबिलिटी भी कम हुई है, जिसकी वजह से हर किसी को दिक्कत आ रही है। कैमरामैन अनिल सुख के साथ मोहित सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में मौसम में बदलाव हो रहे हैं, गुलाबी ठंड दस्तक दे रही है, लेकिन अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो किसी भी तरीके की कोई इंप्रूवमेंट वायु गुणवत्ता में नजर नहीं आ रही। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के डीएनडी में, जो कि दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है, और विजिबिलिटी का जो असर है वो आज साफ देखने को मिल रहा है। स्मॉग का जो असर है वो विजिबिलिटी पर देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देखेंगे जहाँ से तेज रफ्तार में वाहन जा रहे हैं, यहाँ पर भी आगे विजिबिलिटी जो है वो खराब नजर आ रही है। लेकिन जो दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, यमुना बिल्कुल साइड में यहाँ पर है और स्मॉग किस तरीके से फैला हुआ है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाएंगे। कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, सामने नदी है वो नजर नहीं आ रही है, पूरा स्मॉग ही स्मॉग बना हुआ है। विजिबिलिटी पर बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान भी काला नजर आ रहा है, जो गहरा भूरे रंग का नजर आ रहा है, यानी कि स्मॉग जो है वो दिल्ली पर एक पूरी चादर की तरह बना हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो लोगों की सांस लेने वाली हवा पर भी पड़ रहा है, यानी कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा जहरीली है। कल दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से दिवाली में पटाखे फोड़े गए उसी का असर यहाँ पर अब नजर आ रहा है। बहुत ही मुश्किल है सांस लेना और आज तो काफ़ी ज़्यादा है, पहले भी मैं आता हूँ ठीक था, टुडे इज़ टू मच। तो हमें सोचना होगा थोड़ा कि दिल्ली के बारे में कि इतना पोल्यूशन हम खुद ही फैलाते हैं और क्या कहते हैं हम खुद ही निकल पाते हैं, और इसमें बच्चों को इतनी दिक्कत हो रही है कि मान लो क्या कहते हैं बच्चों को 10 सिगरेट वो एक मिनट में फूक रहे हैं, और क्या कहते हैं जो बुजुर्ग है वो कम से कम 5 सिगरेट फूक रहे हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। सरकार लाख कदम उठाने के दावे कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आप पीछे तस्वीरों में अभी देखेंगे कि एमसीडी की ओर से झाड़ू लगाई जा रही है और बिना पानी का छिड़काव किए लगातार धूल पर झाड़ू लगाई जा रही है, और धूल जो है लगातार हवा में घुल रही है, हवा में मिल रही है, और इस आज स्मोक का भी असर हमें देखने को मिल रहा है। लगातार स्मोक बना हुआ है और उसी में अब ये जो जिस तरह से झाड़ू लगाई जा रही है उसके बाद जो धूल उड़ रही है वो हवा में जम रही है, उसका पॉल्यूशन लोगों के अंदर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया है वो धुआं हो गया है, वो इस धूल की वजह से हुआ है। अगर इसी पर पानी का छिड़काव करने के बाद इस पर झाड़ू लगाया जाए तो जो प्रदूषण है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसके वजह से भी जो है प्रदूषण बढ़ता रहता है। सरकार लाख दावे करती है कि कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी अवहेलना की जा रही है वो तस्वीरों में देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन मनीष धोबियाल के साथ निखत अली, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। अगर मैं आज की बात करूं ठीक दिवाली के एक दिन बाद की, तो आज भी जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली की आनंद विहार में, जहां तस्वीरों में देखेंगे कि धुंध की जो चादर है वो अभी भी बिछी हुई है, पूरी स्मोक आपको देखने को मिलेगी। इसी स्मोक की वजह से, इसी धुंध की वजह से जो गाड़ियां भी है सुबह के अच्छे खासे वक्त में भी अभी हेडलाइट जलाकर निकल रही है कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए सारी गाड़ियां इस वक्त हेडलाइट जलाकर निकल रही है। और अगर मैं आनंद विहार की AQI की बात करूँ तो आनंद विहार का AQI इस वक्त 350 के पार है। जब आंकड़ा 300 पार करता है इसका मतलब वो बेहद ख़राब की कैटेगरी में आ जाता है, और यही स्थिति अभी आनंद विहार की हवाओं में है। लगातार दिल्ली वाले जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तमाम सख्ती के बाद भी लोगों ने प्रदूषण वाले पटाखे जलाए और पटाखे जलाने का सिलसिला 10 बजे के बाद भी रखा, जिसका असर आज सुबह दिल्ली की हवाओं में नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष धोबरियाल के साथ निखत अली, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई है, बहुत ही गलत बात है। हम लोग ही इस चीज़ को सुधारेंगे, लेकिन लोगों ने ये बात को बिल्कुल नहीं माना। 10 बजे के बाद भी बहुत पटाखे चलाए गए। पॉल्यूशन किसको नुकसान पहुंचा रहा है, हम और आपके बच्चों को, परिवार वालों को, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। 2 दिन 10 दिन तक सबको आपको सांसों की प्रॉब्लम आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फायदे के लिए ही ये आदेश जारी करा था, अब हम ही लोग हैं, अगर इसका पालन न करें तो हमें ही नुकसान है।
समझ रहे हैं लोग, जान रहे हैं कि जिम्मेदारी खुद की पहले बनती है। हम सीधा चलेंगे, प्रियंका खानपाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं और निकट मेरी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त आईटी से मौजूद है। प्रियंका, आपके पास आना चाहूंगी। लोग इस बात को समझते हैं, हम और आप सभी समझते हैं, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी बनती है। बावजूद इसके जो कल रात तस्वीर थी और उसके बाद दिवाली मनाने के बाद जो सुबह की तस्वीर है वो कुछ और ही कहानी बयां करती। ना तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती काम आई, ना ही लोगों का ज्ञान काम आया। जी बिल्कुल सही कहा नवजोत आपने। प्रशासन पर उंगली उठाना या प्रशासन से उम्मीद रखना बेहद आसान है, लेकिन कल बारी दिल्ली वालों की थी, जिसमें वो पूरी तरीके से चौंक गए हैं। नवजोत, इस वक्त की अगर जब हम बात करें, इस वक्त के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, तो 600 पर बना हुआ है दिल्ली, ओवरऑल दिल्ली का AQI। और दिल्ली हाईकोर्ट के पास लगभग हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है। और फिलहाल अगर इस इलाके की बात करें जहाँ पर हम मौजूद हैं, 430 पर PM10 का लेवल बना हुआ है। PM10 ये थोड़े बड़े पॉल्यूटेंट मटेरियल होते हैं जो सांस के जरिए लंग्स में जाते हैं, उनकी अधिकता यहाँ पर इस इलाके में फिलहाल देखने को मिल रही है। 423 का मतलब साफ है कि कंडीशन क्रिटिकल है, सीवियर है, बेहद हानिकारक स्थिति पर है। लेकिन लोग अपनी ही बातों से, अपने ही आज के मौसम को देखकर भी सबक नहीं ले रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कल त्यौहार था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देरी में आई, ग्रीन पटाखे बाजार में मौजूद नहीं थे इसलिए उन्होंने ये पटाखे जलाए। लेकिन फिर भी सवाल उठता है नवजोत, समय सिर्फ 8 से 10 बजे का था, बावजूद उसके 1:30-2 बजे तक रात भर पटाखे जलते रहे। और ये उसी का नतीजा है जो दिल्ली आज धुएं वाली सांस, जो धुएं वाली हवा है उसमें सांस लेने को मजबूर है। दावे 50 तरीके के हो चुके हैं। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दावे करती है कि वो हर तरीके से नजर बनाए हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बावजूद उसकी तस्वीर वही है जो कल थी या परसों थी, इनफैक्ट इससे ज्यादा खराब ही तस्वीर नजर आ रही है आज। जी रमजू, बिल्कुल, कल लोगों ने दिवाली मनाई है, जमकर पटाखे फोड़े, तो तस्वीर ऐसी होनी थी। निखत, आपसे जानना चाहूंगी अब, क्योंकि दिवाली के अगले दिन यानी कि आज और फिर कल दोनों दिन छुट्टी भी है, फिर वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे में सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले ठीक है पोल्यूशन तो है दिवाली की वजह से, लेकिन इसके अलावा गाड़ियां कितनी नजर आ रही, क्योंकि वो भी पोल्यूशन लेवल को बढ़ाती हैं। जी नवजोत, क्योंकि आज छुट्टी है, छुट्टी भी नहीं हुई है, इसकी वजह से गाड़ियाँ थोड़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद तो प्रदूषण का जो हाल है वो बढ़ा हुआ ही है, कम नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ गाड़ियों का धुआं ही प्रदूषण नहीं बढ़ाता। कल जो पटाखे जलाए गए हैं बड़ी मात्रा में, बड़े बड़े धुआं प्रदूषण वाले पटाखे जलाए गए, जिसका असर जो है आज सुबह से हमें नज़र आ रहा है। आज सुबह से हम इस पर लगातार बने हुए, लगातार हम देख ही रहे कि हर इलाके का जो AQI है 5 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट करके बढ़ता ही जा रहा है। कहीं भी जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होता नज़र नहीं आ रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गाड़ियां कम होने के बाद भी जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और जिससे हम ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बताया जा सकता है कि जो कल जो जिस तरह से पटाखे जलाए गए हैं और जो देर रात तक पटाखे जलाए गए हैं उसका असर हमें दिल्ली में आज देखने को मिल रहा है। लगातार दिल्ली में स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल का AQI आज के AQI से बेहतर था, लेकिन जब कल रात को जिस तरह से पटाखे जलाए गए उसके बाद अगर आज के AQI की बात करें तो वो बेहद खराब स्थिति से अब खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है हम आरोप लगा सकते हैं और सियासतदान भी आरोप लगाते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर, दूसरे राज्यों पर, पड़ोसी राज्यों पर, लेकिन जिम्मेदारी खुद की बनती है। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी कर सकता है, लेकिन उनको मानना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस प्रदूषण के लिए हम और आप सभी जिम्मेदार हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिवाली के बाद दिल्ली में 3 दिन ट्रकों की एंट्री पर भी बैन रहेगा। दिवाली के बाद दिल्ली में संभावित प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजधानी में 8 से 10 नवंबर तक ट्रकों के आने पर रोक लगा दी है, और दिवाली में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत ये फैसला लिया गया है। आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले ट्रक को इस प्रतिबंध से फिलहाल छूट दी गई है। इस संबंध में EPCA यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिवाली को तय समय के बाद पटाखे जलाने के आरोप में ईस्ट दिल्ली से 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग 10 बजे के बाद भी पटाखे जला रहे थे, और इसके अलावा नोएडा में भी 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये लोग भी 10 बजे के बाद पटाखे जला रहे थे। तो दिल्ली के साथ साथ पूरे NCR में भी दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा है।
गुरुग्राम में भी सुबह स्मोक की चादर सी फैली हुई नजर आई। हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। इसके अलावा हवा में पीएम 2.5 का स्तर बढ़ने की वजह से लोग सांस लेने में भी काफी परेशानी जता रहे थे। जानकारों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में दीपावली के दौरान पटाखे जलाए जाने की वजह से प्रदूषण का स्तर और खराब हुआ है। दिवाली के बाद एक बार फिर दोबारा से गुरुग्राम स्मोक की चपेट में है। पिछले कई दिनों से लगातार प्रदूषण की मार झेल रहा गुरुग्राम एक बार फिर दोबारा से जो प्रदूषण की मात्रा है वो बढ़ गई है। दिवाली के ऊपर हुई आतिशबाजी के बाद ये प्रदूषण जो है ये बढ़ा है और यही वजह है कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जरूर जारी करी थी कि आतिशबाजी जो है वो आप शाम को 8 से 10 बजे तक ही कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आतिशबाजी हुई और यही वजह है कि अब जो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है इसमें प्रदूषण की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। भले ही पिछले साल के मुकाबले इस बार आतिशबाजी कम हुई हो, लेकिन जितनी भी आतिशबाजी हुई है उसकी वजह से जो प्रदूषण है वो बढ़ गया है और अगले 2-3 दिन तक ये प्रदूषण ऐसे ही रहने वाला है। तो इसलिए जो भी लोग खासतौर से जो सुबह जल्दी निकलते हैं या फिर वो लोग जिनको सांस लेने में दिक्कत है उनके लिए ये मौसम बेहद खतरनाक है। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18 हरियाणा, गुरुग्राम। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी इस समय एंटीगुआ में आराम से घूम रहा है और भारत ने एंटीगुआ से मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की अपील की है, लेकिन ये तस्वीर साफ बता रही है कि शायद एंटीगुआ भारत की अपील को गंभीरता से नहीं ले रहा है। और एंटीगुआ में भारत का भगौड़ा मेहुल चौकसी सुपर मार्केट में खरीदारी करता नजर आया। इस तस्वीर को देखने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या एंटीगुआ सरकार मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को गंभीरता से ले भी रही है या नहीं। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक फ्लाईओवर के ऊपर चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। इसके बाद ड्राइवर कार को फ्लाईओवर के साइड में लगाकर कार से तुरंत बाहर निकला और देखते देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और कार जलती हुई फ्लाईओवर पर ही जलने लगी। इस दौरान सामने से आ रहे ऑटो में एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो ड्राइवर बाल बाल बच गया। इसके बाद जलती हुई कार डिवाइडर से टकरा गई। अभी मैं सेक्टर 31 में गिफ्ट लेके आया हूँ, जस्ट अभी मेरे को टाइम लेट हो रहा था, बाकी कल दे दूंगा। तो मैंने गाड़ी में रखे हुए थे और जैसे फ्लाईओवर पे चढ़ाऊँ आवाज़ आई गाड़ी में, सर की आवाज़ आई, जैसे मैंने देखा क्या चीज़ है इतने में गाड़ी में आ गई। कानपुर में दिवाली में पटाखा चलाते वक्त जलता हुआ पटाखा जाकर एक खड़े ट्रक में गिर गया, जिससे ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा और इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने में भगदड़ मच गई। आग की जानकारी मिलने के बाद जब तक दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंच पाती, आग ने ट्रक को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। आग जिस ट्रक में लगी उसके नीचे से पेट्रोल लाइन जा रही थी। गनीमत रही कि आग ज्यादा देर तक नहीं रही, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हरियाणा के करनाल में दिवाली पर आतिशबाजी की तैयारी करते समय 5 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। 2 बच्चों को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर किया गया। लापरवाही की वजह से हुए इस हादसे में बच्चे लोहे की रॉड में पेट्रोल भरकर बजाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होने से ये हादसा हो गया। वो पटाखे जो आता है ना पाइप में भर के पोटाश जो है ना वही चला रहे थे, पता नहीं उसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण जो है ना एक बच्चे का दोनों हाथ और ज्यादा मतलब वो जो है ना मतलब उसका मतलब जो है ना हालत जो है ना ज्यादा गंभीर है।